सचिवा न्यू पीटी कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आत्म आकलन हेतु टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया गया, जहां विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर समर्थ शर्मा शामिल हुए। सचिवा न्यू पीटी कॉलेज में अनूठी पहल की शुरुआत पूर्व में की गई है। इसके अंतर्गत संस्थान में ही अध्ययन कर चुके छात्र जो आज कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। इसी कड़ी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर आयोजित टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करने संस्थान में डॉक्टर समर्थ शर्मा, जो कि शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में MD मेडिसिन है, उन्होंने वहां पहुंचकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन जहां किया, वहीं उच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। इस दौरान कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन भी शामिल रहे। अपने ही संस्थान में मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर समर्थ ने खुशी जाहिर की, तो वहीं सचदेवा कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने इस पहल का उद्देश्य बताया। बहुत ही शानदार अनुभव है, मुझे तो बहुत, क्या बोलूं, मैं तो पुराने ख्यालों में खो गया, ऐसा लग रहा है मैं फिर से आज पढ़ने के लिए आया हूं। बहुत अच्छा रहा सचदेवा में मेरा एक्सपीरियंस, आज सचदेवा की वजह से ही मैं इतना ऊँचा आ पाया हूँ। थैंक्स टू चिरंजीव सर एंड सचदेवा कॉलेज कि मुझे मार्गदर्शन मिला कि मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, कैसे आगे बढ़ना है इस करियर में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चिरंजीव सर और सचदेवा कॉलेज का, और आज के सारे बच्चों के लिए ही उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपने अपने फील्ड्स में बहुत अच्छा करें और ऑल द बेस्ट टू देम। बच्चों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही था कि हम कैसे करें टाइम कॉन्स्टेंस, क्योंकि हमारे MCQ सॉल्विंग में बहुत टाइम कॉन्स्टेंस होते हैं। उन्होंने MCQ की सॉल्विंग टेक्निक्स पूछी कि कैसे जल्दी काम किया जाए, तो मैंने उसी पर उनको ब्रीफ किया कि कैसे धैर्य के साथ कैसे मैं आपका क्वेश्चन मार्क करने हैं, कैसे रिविजन्स करना है, लास्ट मोमेंट पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मैंने बच्चों से अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। सारे बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि आप फोकस करिए अपने करियर पे, अपनी ड्रीम्स पे। ड्रीम्स सबके सही होते हैं, किसी का जल्दी होता है किसी का लेट होता है, तो किसी को देख के हताश नहीं होना है, अपना मेहनत करते रहना है, एक दिन सफलता आप सबको ज़रूर मिलेगी। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूँगा डॉक्टर समर्थ शर्मा, जो 2004 के बैच के हमारे स्टूडेंट हैं, सेलेक्ट हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर है शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में। तो जो बच्चे आज इनके सामने थे वो बच्चे समझिए इनकी, वो शायद उस साल पैदा हुए या उस उम्र के होंगे। तो आज डॉक्टर शर्मा ने जो बात की, बच्चों को उत्साहवर्धन किया, बहुत अच्छा लगता है कोई सफल विद्यार्थी अपनी सफलता का गुर बताता है, क्योंकि क्या होता है कि जब जो जिस रास्ते से गुजरता है बखूबी उस रास्ते को पहचानता है और उसकी कठिनाइयाँ जानता है और वो फील कर सकता है कि क्या सब समस्याएँ दिक्कत आ रही है। और जैसा कि बच्चों ने प्रश्न भी किया, डॉक्टर साहब ने बताया कि क्यों पर नहीं जाएं हम, कैसे पर जाएं, अगर सवाल नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता ये इशू नहीं होना चाहिए, कैसे नहीं बनता इस पर करें, तब उसका आंसर मिलेगा। तो वही टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक पाने वाली छात्रा जो पुरस्कृत की गई थी, उसने भी अपने अनुभव साझा किए। टेस्ट दिला के बहुत अच्छा लगा और इसमें क्वेश्चंस में बहुत वैरायटी होती है और अपनी मतलब अच्छे से रिवाइज करके नोट्स पढ़ के ये सब किए हैं। जब आए थे सर तो हमें बहुत अच्छा लगा और उनसे हमने पूछा कि अपने टाइम पे वो कैसे तैयारी करते थे और टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, ये सब पूछा उनसे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हम लोग को। बहरहाल टेस्ट श्रृंखला के माध्यम से विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।